ये जश्न है जीत का, ये खुशी है परचम लहराने की। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे इस बार चौंकाने वाले हैं, लेकिन ओवैसी के लिए मध्य प्रदेश से एक बार फिर खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में ओवैसी ने हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जिसने जीत दर्ज की। खरगोन में 3 वार्डों पर AIMIM ने परचम लहराया। वैसे तो ज्यादातर सीटें खरगोन में बीजेपी के खाते में गई हैं, लेकिन इस जीत के अलग ही मायने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे खरगोन के वार्ड नंबर 2 में AIMI प्रत्याशी अरुणा श्याम उपाध्याय के पार्षद चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बता दें कि अरुणा श्याम उपाध्याय एक गृहिणी हैं, उनके पिता श्याम उपाध्याय समाज सेवी हैं। अरुणा का कहना है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा जरूर उतरेंगी और विकास उनका प्रमुख एजेंडा होगा। सबसे पहले तो मैं ओवैसी साहब का शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे खरगोन में पार्षद पद के लिए टिकट दिया, और वार्ड 2 के सभी जनताओं से मैं उनकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे पार्षद वहाँ का बनाया, और मैं उनकी सारी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। जो भी वो मुझसे चाहते हैं वो सारे काम मैं करूंगी, चाहे वो पानी का हो, सड़कों का हो, लाइट का हो, गटरों का हो, सभी चीजें में। अरुणा श्यामा उपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाकर ओवैसी की पार्टी ने बड़ा दाव चला था, जो एकदम सटीक साबित हुआ। न कांग्रेस न बीजेपी, वार्ड नंबर 2 की सीट ओवैसी की पार्टी के खाते में गई। चुनाव जीतने के बाद अरुणा ने ओवैसी को धन्यवाद किया और बताया कि क्यों उन्होंने उनकी पार्टी को चुना। सबसे पहले तो वो संविधान की बातें करते हैं और समानता की बातें भी करते हैं, तो मैं संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, तो बाबा साहब के तो हम पहले से ही बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी की हूँ, इसी वजह से मैं इस पार्टी में आई हूँ कि वो समानता की बातें करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में पिछले दिनों सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। खरगोन के वार्ड नंबर 2 के साथ साथ खरगोन नगर पालिका में वार्ड नंबर 15 से शकील खान और वार्ड नंबर 27 से शबनम अदीब जीत हासिल की। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि निमाड़ क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। खरगोन में बीजेपी ने अधिकतर वार्ड में जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस यहां महज 4 वार्ड में सिमट कर रह गई है। बाबा आलम पाशा इन्नु दुखविला मोसविला नीवु निम्म जीवनदल्लि असमाधानगोंडिद्दीरा ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 100%ಕ್ಕೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶ. ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಪಸ್. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಬಾಬಾ ಅಲಂ ಪಾಷಾ. ಇವರು ವಶೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಬಾಧೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲ ಬಾಧೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಬಾಬಾ ಅಲಂ ಪಾಷಾ, KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7428705317.